जिंदगी। और हमारे हजरत वाले तो ऐसी बात फरमाते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात पे रखे, कि एक आदमी फरमाते थे कि सुबह को जब फजर के बाद उठ के अल्लाह ताला से मांगा करो कि अल्लाह दिन शुरू हो रहा है, अब जिंदगी का मारका सामने है, इसमें पता नहीं कितने दवाई गुनाहों के आए, अल्लाह ताला की नाफरमानी के दवाई पैदा हों, पता नहीं क्या कुछ आए, या अल्लाह मुझे बचाए, मुझे महफूज कर, सिद्क दिल से ये दुआ मांगी। तो अब उस दुआ का नतीजा ये होना चाहिए कि जब ऐसे मौके आए तो उसमें हिम्मत से काम ले, जिसको मैं कल कह रहा था, क्या कह रहा था कि मजबूती से ज़बरदस्ती करके अपने ऊपर अपने आप को उसके बचाए। इसके बावजूद अगर फिसल गए तो वही बात आ गई ना कि शैतान ने वार कर दिया, तो फिर उस वक्त मायूस होने के बजाय फिर इस्तग़फ़ार करे, फिर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। अब रात को जब सब्र कर रहा है तो सोचता है, अल्लाह मैंने तो मांगा था आपसे कि मुझे बचाइएगा गुनाह से, तो मैंने फिर पड़ गया उसमें, तो हज़रत फरमाते हैं क्या है? अल्लाह मैंने वो दुआ कबूल नहीं की, हालांकि वो दुआ तो ऐसी थी ना कि जिसमें किसी बुराई का कोई शायबा नहीं था, मसलहत का भी हज़रत के ख़िलाफ़ होने का भी कोई शायबा नहीं, लेकिन हज़रत फरमाते हैं जब उस गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू की तौफीक हो गई, इस्तग़फ़ार की तौफीक हो गई, तो हज़रत फरमाते हैं उन्हीं का काम करके मकाम की बात है, मैं नहीं कह सकता, कि वो कहते अरे नाना तू समझ रहा है हमने तेरी दुआ कबूल नहीं की, अरे हमें तुम्हें तुझे मज़हर बनाना था अपनी सत्तारी का, अपनी गफ्फारी का, और तेरे अंदर जो नदामत पैदा हुई, तेरा दिल जो रोया, तूने हमारी तरफ जो रुजू किया, उससे हम कहाँ से कहाँ तुझे पहुँचा रहे हैं। तो यह दुआ नाकाम नहीं होती, इस्तग़फ़ार नाकाम नहीं होता, कभी नाकाम नहीं होता, तो इसलिए घबराए नहीं, चलता जाए, रास्ता पता कर, ये साथ बीच में शैतान कभी मायूस करेगा कभी करेगा, लेकिन उससे मायूस होने के बजाय चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इसी में कब्र में पहुंच जाएगा ना इस्तग़फ़ार करता करता, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो मेरा एक शेर है ना के कदम है राह उल्फत, तो मंजिल की हवस कैसे, कदम है राह कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसे, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाए, बस ये थकन ये इधर फर्क था, हाँ अल्लाह ताला इसकी तौफीक।